दोस्तों, अगर कोई भी घटना घटती है तो वहां पर लगी सीसीटीवी फुटेज उस घटना का सबसे बड़ा सबूत होता है, सबसे बड़ा सुराग होता है। जी हाँ, सुशांत सिंह मामले में भी यही हुआ। लगभग 3 महीने बाद सीबीआई के हाथ में एक ऐसा सबूत लगा है जिसके बाद सीबीआई के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। दोस्तों, हम आज आपको पूरा क्लियर कर देंगे, पूरा सबूत आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से सुशांत के खिलाफ साजिश हुई थी और उन्हें खत्म करने वालों में कौन कौन लोग शामिल हैं। इस वक्त पूरी दुनिया सुशांत के पक्ष में आवाज बुलंद कर रही है। अगर आप भी सुशांत के समर्थक हैं, उन्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें जस्टिस फॉर सुशांत। सुशांत के दोषी इतने शातिर थे दोस्तों कि वो लगातार इस मामले को कोई और ही रूप देने की कोशिश कर रहे थे और वो लगभग कामयाब भी हो गए थे, लेकिन सुशांत के फैंस ने एक साथ आवाज बुलंद की और सरकार और प्रशासन सीबीआई जांच के लिए मजबूर हो गए। जब ये मामला सीबीआई के हाथ में गया, तब से सुशांत और दिशा के आरोपी गीदड़ की तरह मांद में घुसकर छिपने लगे, लेकिन सीबीआई और एनसीबी उन गीदड़ों को मांद से निकाल निकाल कर जेल में बंद कर रही है। कुछ लोग रिया के समर्थक यही कह रहे थे कि रिया बेचारी निर्दोष है और कुछ न्यूज चैनल्स भी रिया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एनसीबी ने रिया के भाई शौविक और पूरी टीम को एक के बाद एक जेल में डालना शुरू किया, तो वैसे लोग जो रिया के समर्थन में आ रहे थे उनके मुंह पर अब लगभग ताला लग चुका है और पूरा देश यही कह रहा है कि सुशांत केस के पीछे रिया और उसकी पूरी गैंग का हाथ है और बॉलीवुड के माफिया और सरकार के सहयोग से इस पूरे मामले को अलग ही एंगल देने की कोशिश की गई। दोस्तों, दिशा के साथ क्या हुआ ये अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है। दिशा को खत्म करने के बाद उन्हें बिल्डिंग से फेंका गया था। बिल्डिंग से करीब 20 फुट की दूरी पर वो मिली थी, यानी कि उन्हें जोर से फेंका गया था। अगर कोई खुद कूदता है दोस्तों, तो बिल्डिंग के बेस से 20 फुट की दूरी पर वो नहीं गिरेगा, बिल्डिंग के करीब ही गिरेगा, उसकी दीवार के करीब गिरेगा। दोस्तों, आप देखें दिशा मामले को भी किस तरीके से मुंबई पुलिस ने सरकार के साथ मिलकर, जी हाँ, सरकार के साथ मिलकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और अलग एंगल दिया। और पूरी दुनिया अब तक यही जान रही थी कि दिशा ने खुद दुनिया को अलविदा कह दिया है। जब सीबीआई सुशांत के मामले को खंगालना शुरू करती है, तब सुशांत केस से दिशा मामले का कनेक्शन भी जुड़ जाता है। सुशांत हादसे की कहानी 8 जून को ही शुरू हो चुकी थी दोस्तों, जिसमें रिया सुशांत का घर छोड़कर अपने घर चली जाती है और उसी दिन, जी हाँ, उसी दिन दिशा के साथ वो सब होता है। और ठीक 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि पिठानी सुशांत के साथ हुए उस हादसे के बाद भी 20 दिन बाद तक सुशांत के उसी घर में क्यों रहा, और उस पर यह आरोप है कि सिद्धार्थ पिठानी के इशारे पर ही मकान मालिक ने उस दीवार को पेंट कराया था जिस कमरे में सुशांत के साथ वो सब कुछ हुआ था, और उस कमरे के सारे सामान को भी चेंज करा दिया गया था, यानी कि सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई। लगातार 20 दिनों तक सिद्धार्थ पिठानी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर अब यही आ रहा है दोस्तों कि सुशांत और दिशा के अपने ही दगाबाज निकले। जी हाँ, दिशा के करीबियों ने ही उनके साथ वो सब कुछ किया और सुशांत के साथ रहने वाले, उनके घर में रहने वाले लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। दोस्तों, सुशांत के घर से कई अहम सबूत मिले हैं, चाहे उनके कमरे की बात करें जहां पर सुशांत के साथ वो सब कुछ हुआ था, या फिर उनकी छत की बात करें, वहां से भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद से अब दोषियों तक सीबीआई पहुंचने ही वाली है। लेकिन हम बात करने वाले थे सीसीटीवी फुटेज की। पूरी दुनिया यही कह रही है कि सुशांत 4.5 लाख पर मंथ किराए की बिल्डिंग में रहते थे, वहां पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा होगा। तो फिर उस दिन, जी हाँ, उस दिन के सीसीटीवी फुटेज में आखिर क्या आया था? लेकिन दूसरी थ्योरी में इस पूरे मामले में यही बताया गया कि सुशांत के आरोपी छत के रास्ते से आए थे और वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। लेकिन अब जो एक मीडिया खबर में दावा किया जा रहा है, उसके मुताबिक सुशांत के उस दिन की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है दोस्तों। तो हम आज आपके सामने इसका भी खुलासा करेंगे कि किस तरीके से सुशांत के साथ वो सब कुछ हुआ। दोस्तों, सुशांत 14 जून को नहीं बल्कि 13 जून की रात को ही साइलेंट हो गए थे। उनके पड़ोसी ने क्या दावा किया है ये हम आपको याद दिला दें कि उनकी पड़ोसी का कहना है कि सुशांत के घर की लाइट्स 4 से 4:30 बजे सुबह तक जलती रहती थी। जी, सही सुना आपने,
चार से साढ़े चार बजे तक उनकी लाइट्स जलती रहती थीं, लेकिन 13 जून की रात को 10:30 बजे सुशांत के घर की लाइट्स बंद हो गई थीं। सिर्फ उनके किचन की लाइट जल रही थी, यानी कि वहीं से पूरा कांड शुरू हुआ। और उसी समय अंधेरा करने के बाद सुशांत को शांत कर दिया गया। और सिद्धार्थ पिठानी का इधर दावा है कि 13 जून की रात को वो 1:30 बजे तक जगा हुआ था और सुशांत उनके पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि अब तक तुम सोए नहीं। अब सवाल ये है दोस्तों कि सुशांत उस पापी पिठानी के कमरे तक कैसे पहुंचे जब सारी लाइट्स ऑफ थीं? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। पिठानी, कुक नीरज, रिया चक्रवर्ती ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रिया डायन 13 जून को, जी हाँ 13 जून को ही वह 13 जून को कहां पर थी, क्या कर रही थी, ये भी हम आपको बताते हैं। और 14 जून की सुबह रिया चक्रवर्ती ने किसको कॉल किया था, ये भी बताते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि रिया ने सुशांत के घर पर ही कॉल किया था। ठीक सुशांत के साथ हुए हादसे के पहले सैमुअल मिरांडा को रिया ने कॉल किया था, जो कि सुशांत के हाउस मैनेजर हैं। तो सवाल उठता है कि रिया ने 14 जून की सुबह सुशांत के हाउस मैनेजर को क्यों कॉल किया? कॉल 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, बल्कि 20 से 22 मिनट चला था। दोस्तों सवाल तो बनता है कि आखिर इस रिया चुड़ैल ने उस दिन सैमुअल मिरांडो को क्यों कॉल किया था? क्या इस पूरे मामले में इन सभी ने मिलकर साजिश रची थी? अगर रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, सुशांत का नंबर तक ब्लॉक कर दिया था, सुशांत से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो फिर सुशांत के हाउस मैनेजर से उसको क्या मतलब था? चलो कोई काम हो भी सकता है तो 1-2 मिनट बातें हो सकती हैं, लेकिन 20-22 मिनट तक रिया ने सैमुअल मिरांडा से क्या बात की? क्या सुशांत की साजिश पर बात हो रही थी? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके अलावा पापी पिठानी भी इस पूरी साजिश में एक बड़ा किरदार है। दोस्तों आप सोचिए कि अगर आप और आपका दोस्त किसी किराए की बिल्डिंग में रहते हैं और आपका दोस्त इस तरह से दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो क्या आप उस बिल्डिंग में, उस घर में उस दिन के बाद से रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस पापी पिठानी की हिम्मत देखिए, ये सुशांत के जाने के बाद भी लगातार 20 दिनों तक उसी घर में रहता है और आरोप है कि वो सबूत मिटाने के लिए ही वहां पर 20 दिनों तक रहा। अब पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है तो पिठानी बेनकाब हो चुका है। रिया चक्रवर्ती पर भी कई संगीन इल्जाम लग चुके हैं, उस पर ड्रग लेन देन, ड्रग का सेवन करने का इल्जाम लगा है, सुशांत को ड्रग देने का इल्जाम लगा है। तो इस तरह से सुशांत की साजिश के पीछे, उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे रिया और पिठानी सबसे बड़े अहम किरदार नजर आते हैं और ये अब जग जाहिर हो चुका है। बता दें कि सीबीआई भी अब अपनी जांच में लगी हुई है और लगातार पिठानी, नीरज, केशव, दीपेश से पूछताछ कर रही है, जो उस वक्त सुशांत के साथ उस घर में मौजूद थे। और इस मामले की एनसीबी, सीबीआई, ईडी और अब एनआईए भी अपने अपने एंगल से जाँच कर रही है। अब देखना होगा दोस्तों कि कब तक सुशांत के दोषी बचते हैं। दोस्तों सत्य की विजय जरूर होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में जो हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हर अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुशांत के आरोपी सबसे पहले इसी चैनल पर बेनकाब होंगे। सत्यमेव जयते।